मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख को अब बस 5 दिन ही बचे हैं, लिहाजा दीपावली के त्यौहार के बीच भी सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने सागर जिले के रेहली में चुनावी सभा को संबोधित किया। सागर के रेहली में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दिन अपना घर और क्षेत्र छोड़कर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके साथ एक संबंध बनाना है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के पक्ष में वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि रेहली क्षेत्र की मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इस क्षेत्र को गुलामी से मुक्त कराने आया हूं। मैं इसकी समाज सेवा से परिचित हूं। ज्योति पटेल तो सेवा करेगी, पर आज मैं दिवाली के दिन रेहली क्षेत्र की जिम्मेदारी लेने आया हूं। आपने अभी मैं सुन रहा था कि कैसे आप सबने इतने साल गुलामी करी है। मैं आया हूं इस गुलामी से छुटकारा कराने के लिए। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैराथन चुनावी सभाएं करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। सीएम शिवराज ने आज सागर जिले के खुरई में रोड शो किया। इस दौरान सीएम ने लाडली बहनों से भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ने सिवनी जिले में कई चुनावी सभाएं की। सीएम ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आमला, भैंसदेही, मानपुर, केवलारी, बरघाट, छिंदवाड़ा, परासिया और सोंसर सहित 8 चुनावी सभाएं की थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। कांग्रेस अगर आ गई, आएगी नहीं, आ गई तो सारी योजनाओं पर ताला लगा देगी। मेरी बहनों, न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, कुछ बचेगा ही नहीं। और इसलिए कांग्रेस के सत्ता प्रवेश का जो फाटक है उसी पर ताला लगा दो कि नहीं, इधर घुस नहीं सकते। यहां तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। आपका जब अपील करने आया हूं, मैं दिन और रात हेलीकॉप्टर से भी और बाय रोड भी अभी सभा करके फिर नागपुर जाके वहां से विमान में बैठ के रात को भोपाल पहुंचूंगा। सवेरे 5:30 बजे फिर शुरू हो जाऊंगा। बताओ, अकेला मैं दौड़ूंगा, आपका कोई फर्ज नहीं है क्या? अरे है कि नहीं सबका फर्ज? आज मैं अपील कर रहा हूं, मुझे बताओ, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार?